हमारी ट्रेन छूट गई क्योंकि जनरल में आज सोकर आई है लेकिन दबा कर सोई है यार। काम की बोरियत से परेशान होकर हमने सोचा कि हम माता वैष्णो देवी के यहाँ घूम कर आए, तो काम में कुछ इस तरीके से बिजी थे कि हम ट्रेन का टाइम ही भूल गए। और फिर जब हमें याद आया तो हमने जल्दी जल्दी ऑटो लिया और फिर यार परेशान थे विकास सर। और फिर जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन की पटरी से जा चुकी थी। फिर हमने जनरल डिब्बा लिया, फिर मैंने उसमें सोने की जगह किसी तरीके से बनाई ली थी और विकास सर तो बैठे हुए बाहर का नज़ारा देख रहे थे, ये देखो, और धूप सौंधी सौंधी जो धूप आ रही थी सेक रहे थे अपने आप को उसी से। और फिर हमने थोड़ा सा ट्रेन खाली होने के बाद भी, यानी ये टर्मिनेट हो गई है ट्रेन, इसके बाद भी ये देखो ये प्रिंसेस मेकअप पे लगी हुई है और मुझे भी करा रही हैं क्योंकि जनरल में आज सो कर आई हैं लेकिन दबा कर सोई है यार। वही ना, दिल्ली से हम जम्मू के रेलवे स्टेशन तक आए। हालांकि हमारी जो ट्रेन थी वो डायरेक्ट श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक की थी लेकिन हमसे मिस हो गई थी तो हमें जनरल में आना पड़ा, आप लोग तो जानते ही हो। और फिर हम जम्मू पहुंचे और फिर जम्मू से हमने कटरा के लिए बस की, जो जिसका फेयर कुछ 85 समथिंग होता है। और बस करने के बाद ये लोग गाना बजाना कर रहे थे, सॉन्ग सुना रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। और हम तो सबसे आगे ही बैठे थे, बाहर का नज़ारा देख के तो और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये ड्राइवर भैया इतनी स्लो चला रहे थे कि मैं क्या ही बोलूं, इनके पीछे जितनी भी बसें थी वो सब निकल चुकी थी, सब की सब। और जाते जाते इतनी लंबी बड़ी गुफाएं देखने को मिल रही थी कि मजा ही आ गया देखने पर यार, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन चार पांच लगातार। और भैया पीछे एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था जो मेरे से ताल मिला के यू नो सीटी बजा रहा था और उसके साथ मैं उसके धुन में रंग में मंग हो गया, या मंग में रंग हो गया, जो भी समझो आप। और दूसरी बात, जो ड्राइवर साहब है ना वो इतना तेज से चिल्लाए मेरे ऊपर तो मैं शांत हो गया। और जैसे कि प्रियंका ने बताया कि 85 रुपीस किराया लिया था, लेकिन आपको पता है क्या, हमसे मतलब प्रियंका मुझसे और उसके दोस्तों से ना बहुत लाइक 130-140 रुपए कुछ किराया लिया था, तो कुछ हम 150 के लाइक यू नो समथिंग लॉस में थे। तो हमने पाजी को बताया और पाजी भैया ने क्या किया, बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। तो सभी इकट्ठा मिल गए क्योंकि 10-10, 12-12 मेंबर्स यू नो आई मीन थे उनके फैमिली के, तो वो आए लड़ने लगे, तो मैं थोड़ा सा मजा लेने लगा, फिर मैंने कुछ नहीं बोला और उसके बाद सॉल्यूशन हो गया, हमको अपने पैसे मिल गए। और वहाँ पास हमने कुछ नाश्ता वास्ता किया लाइक चाय वाय, और बंदर की जो झुंड थी ना भाई साहब वो बस मजा दिला देती थी क्योंकि खाने के लिए बंदर क्या करते हैं वो तो आपको पता ही है। और बस हम पहुँचने वाले कहाँ, यहाँ। और यहाँ पहुँचने के पहले आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी चेकिंग होती है जिसमें गर्ल्स की नहीं बस बॉयज की होती है, बड़ा अजीब था देखने लायक, भाई भाई तो कोई बस में भी छुपा देता ना, लेकिन मानते ही नहीं वो लोग। फिर हम पहुंच गए, वहां से एक कार्ड लिया, कार्ड लेने के बाद क्योंकि वो अनिवार्य होता है आपको ऊपर जाने के लिए, वो कार्ड पता नहीं IRDC क्या बोलते हैं, और रास्ते में से जाते थ्रू ये सभी कुछ मिला। फिर यहाँ पास फ्री का लंगर गुलशन कुमार के द्वारा, यानी कि आप जानते होंगे जो टी सीरीज के मालिक है समथिंग, क्योंकि उनके सपने में आया था तो उन्होंने हमेशा भंडारा यहाँ लाइक स्टार्ट करवा दिया, तो इसी की वजह से हम लोग खा रहे थे। और ये बेबी के साथ खेल रही है प्रियंका, देखो यार बहुत क्यूट बेबी था और मजे ले रहा था हमारे साथ हंसते हंसते यू नो, तो प्रियंका ने इसको पकड़ लिया और खाते खाते भी इसके साथ खेला और कुछ मैं भी मग्न हो गया इस बच्चे के साथ क्योंकि इसकी प्यारी हंसी, इसका प्यारा सा चेहरा हमारे मन को मोह लिया और इतनी सुनहरी आंखें यार, मतलब आंखों में जादू था। तो भैया खाने का इंतजार करते हुए देखो देखो सब कुछ बेताब थे क्योंकि भूख लगी हुई थी। फिर मेरा क्या कढ़ी मिला, चावल मिला, दाल मिला, रोटी मिला, आय हाय हाय इतना लंगर में नहीं मिलता यार। माता दी दोस्तों, नवरात्रि के सीजन में हमने सोचा कि हम आपको दर्शन करा दे वैष्णो रानी के। हाँ जी, तो आज हम लोग आ चुके हैं वैष्णो देवी माता मंदिर। वेल मंदिर क्या बोलूंगा, ये तो एक पूरा खुद में एक पहाड़ है, आप देख ही सकते हो कितने सारे पहाड़ हैं। तो अभी ना आपको बताएंगे कि फेमस क्यों है, मे बी लाइक आपको पता नहीं होगा मेरी तरह क्योंकि प्रियंका ने मुझे यू नो वाइल्ड ट्रैवलिंग सब चीज़ें बताई एंड आई एम रियली सरप्राइज कि बहुत यू नो अद्भुत चीज़ें हुई हैं, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। तो प्रियंका बताओ इनको। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो स्टोरी है ये त्रेता युग की है, ठीक है, और यहाँ पे ना जो पर्वत का नाम है जिस पर माता रानी का मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो तीन पर्वतों से मिलके बना हुआ है। आप यहाँ काउंट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन काफी बड़े बड़े पर्वत हैं जो कि मतलब पर्वत के अंदर ही हैं हम लोग। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि भैरव नाम का एक मतलब
ब्राह्मण था, ठीक है, भैरव नाम का ब्राह्मण था। तो उसका ये पर्पस था कि वो जिस इस एरिया में, मतलब जिस भी एरिया में रहे वहाँ पे लोग उसको माने, ठीक है। तो वो अत्याचार करता, लोगों को सताता कि लोग मेरी पूजा करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो सब लोग परेशान हो गए थे, लेकिन सब लोग भैरव बाबा की फिर पूजा करने लग गए। फिर इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जब कुछ लोग, एक श्रीधर नाम का एक पंडित था जो कि यहाँ का वंशज माना जाता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूजा पाठ किया, देवी माता को मनाया। तो फिर क्या होता है कि देवी माता का यहाँ पे जन्म होता है, कुछ गिरिराज करके नाम होता है उन्हीं के, यहाँ पे उनका जन्म होता है। और बल कहा जाता है कि उनके ना तीन अंश थे यहाँ पे, काली, सरस्वती और लक्ष्मी माता के, ठीक है। तो उन तीनों ने मिलकर मतलब उस माता को क्रिएट किया था, ठीक है। तो अब वो वहाँ पे रहती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं, फिर धीरे धीरे ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चली जाती हैं। ये उन्हीं समय की बात है जब हमारे जो राम जी होते हैं उनका वो रामायण खत्म हो जाता है। रामायण नहीं, रामायण खत्म नहीं होता पागल। हाँ। अरे वो उनका वनवास शुरू होता है और रावण सीता माता को हर के लेके चला जाता है। तो वो वन वन भटक रहे होते हैं, तो यहाँ पे उनकी मुलाकात माता रानी से होती है। तो माता रानी का नाम वैसे वैष्णवी रखा जाता है। तो माता रानी से मुलाकात होती है, माता रानी ये कहती है कि मैं आपको स्वामी के रूप में पाना चाहती हूँ, लेकिन वो तो हमारे तो राम जी को आप जानते ही हो, वो तो पुरुषोत्तम है। तो इसीलिए उनको पुरुषोत्तम श्री राम जी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही वाइफ रखने की प्रतिज्ञा ली थी। तो वो उनको बोलते हैं कि इस जन्म में नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैं फिर आऊँगा, आप जिस दिन मुझे पहचान लेंगे, जब मैं आऊँगा, अगर आप मुझे पहचान लेती है कि मैं नारायण हूँ, तो मैं आपसे शादी कर लूँगा, ठीक है। तो वो माता रानी कहती है चलिए ठीक है, मैं आप आइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तो फिर वो वेश बदल के आते हैं, माता रानी नहीं पहचान पाती। तो फिर वो कहते हैं कि अभी ये सही समय नहीं है, इसीलिए माता अभी कुंवारी हैं, माता का भी अब माता रानी की भी कोई शादी नहीं हुई है। इनकी शादी बोला गया है कि कलयुग में ही कलगी नाम का एक अवतार है जो हमारे नारायण जी का रह रहा है, वो उसी अवतार के साथ उनका विवाह किया जाएगा। तो फिर क्या होता है, फिर माता रानी फिर वही योग साधना तपस्या वगैरह करने लगती हैं। फिर जो श्रीधर होता है उसकी कोई संतान नहीं होती, तो वो माता रानी का व्रत रखता है 9 दिन, ये जो हमारे 9 दिन चल रहे हैं, 9 देवियों को वो पूछता है। लेकिन फिर क्या होता है कि माता रानी उसके घर में खुश होकर प्रकट होती हैं, मतलब लक्ष्मी रूप कह रही हूँ, वो छोटी सी बेटी बन के प्रकट होती हैं, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं कि आप अपने घर में भंडारा करवाइए। अब वो तो होता है गरीब ब्राह्मण, वो कहते हैं ये कैसे संभव है। तो फिर माता रानी कहती है तुमको माता रानी पर विश्वास है ना, तो वो कहते हैं हाँ। तो फिर वो सबको पूरे गांव भर को न्योता देकर आ जाता है। फिर इस बीच में वो जो गुरु होता है भैरवनाथ, वो कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं भी चल के देखता हूँ। तो वो आता है अपनी बहुत सारी चेलों और सेनाओं को लेकर आता है, ठीक है। तो माता रानी आती हैं, फिर माता रानी का मतलब इंतज़ार करता है श्रीधर, फिर वो पूजा करता है, फिर माता रानी आती हैं। तो माता रानी सबको ना अपनी मनपसंद का खाना देती हैं कमंडल में से निकाल के, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वैष्णव भंडारा। यहाँ पर भी होता है वैष्णव भंडारा, इसीलिए वैष्णवी देवी के जो भक्त होते हैं उनको वैष्णव भक्त बोलते हैं, ठीक है। अब वो सबको सात्विक भोजन देती हैं। सात्विक भोजन का मतलब ये होता है कि जिसमें लहसुन प्याज इन सब चीज़ों का कोई भी सेवन नहीं होता, ठीक है। तो जो हमारे भैरव बाबा होते हैं वो ये कहते हैं कि यार सबको अपना मन पसंदीदा खाना मिल रहा है एक ही कमंडल से, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं भी चलो अपनी इच्छा का खाना मांगता हूँ, ठीक है। अब वो माता रानी को बोलता है कि मुझे मदिरा और मांस दे दो। तो माता रानी कहते तुम तो साधु हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम ये वैष्णव भंडारा है, यहाँ पे मदिरा मांस का सेवन नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब भी हम कटरा से ऊपर आते हैं ना लहसुन ना प्याज कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि तुम मेरे को गुस्सा दिला रही हो। तो वो कहती है ये वैष्णव भंडारा है, आप समझिए। तो फिर वो माता रानी का ऐसे हाथ पकड़ता है। माता रानी सोचते हैं कि ये सही समय नहीं है अभी लड़ाई करने का, क्योंकि सारे भक्त लोग बैठे रहते हैं। तो वो अंतर्ध्यान हो जाती है और अंतर्ध्यान होकर वो इन्हीं पर्वतों में आती है जिसको त्रिकूट पर्वत बोला जाता है, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। अब वो इन्हीं पर्वतों में आती है, अब उनके साथ होते हैं हमारे हनुमान जी। हनुमान जी तो हर जगह पहुंच जाते हैं, हनुमान जी होते हैं। अब वो हनुमान जी धीरे 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 उनके साथ मतलब रास्ते में चलते हुए आते हैं। तो एक जगह हनुमान जी को प्यास लगती है, तो वो माता को बोलते हैं कि माँ मुझे प्यास लगी है। तो माता रानी अपने तीर से गंगा को उत्पन्न करते हैं, ज़मीन में धरती में तीर को मारकर गंगा को क्रिएट करते हैं, जहाँ पे वो अपने बाल भी धोती हैं और हनुमान जी अपने प्यास बुझाते हैं। इसलिए उनको उस जगह को बाढ़ गंगा और बाल गंगा दोनों कहा जाता है। और अभी हम उसी जगह पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पानी सूख गया है। ये पानी इसलिए सूख गया क्योंकि अभी हम सीजन मतलब सीजन में पहले बहुत अच्छे से रहता था, अब ये इस तरीके से बना दिया है। पहाड़ जो है ना ये इसके आई मीन चार चांद लगा देते हैं यार, ये तो बहुत प्यारा है। अभी आप सर्दियों वगैरह में आओगे तो यहाँ आपको पानी ही पानी मिलेगा,
अभी मैं कुछ दिन पहले आई भी थी। हाँ अभी कुछ दिन पहले आई थी। यहाँ पानी ही पानी मिलेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद माता रानी प्यास बुझाती हैं हमारे हनुमान जी की, फिर वो आगे जाती हैं। और अभी वो जो टेम्पल आएगा उसके बारे में मैं आपको अभी बता देती हूँ ताकि मैं आपको दर्शन सीधे करवा दूँ। वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाती है तो रुक के माता रानी पीछे मुड़ के देखती है कि भैरव उनसे कितनी दूर है। तो जब रुकती है तो वहाँ पे उनके चरणों के निशान बन जाते हैं जिसको हम चरण पादुका कहते हैं। वो आगे टेंपल बना हुआ है चरण पादुका के नाम से, वो माता रानी के चरण काफी फेमस है। हाँ, और फिर अरे मैं अभी सारी कहानी सुना दूंगी तो फिर तो आप लोग भाग जाओगे ना। हाँ, तो इन्होंने जो कहानी सुनाया है हम आपको रियल प्रैक्टिकल में सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल अभी जहाँ बैठे वो तो आप जान गए हो ना, राम क्या नाम है, बाढ़ गंगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बाढ़ मारा था ना। हाँ, और अपने बाल धोए थे इसलिए इसको बाल गंगा भी कहते हैं। और यहाँ पास अब ना कई सारे लोग नहाते हैं, यार मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ा गंदा कर दिया है। वैसे इंडिया में तो हर पानी रिवर गंदा हो ही गया है, लेकिन यार नज़ारा तो देखो, आना ज़रूर कश्मीर, आई मीन जम्मू इज स्पेशली फेमस। अब देखो वो पहाड़ में एक मंदिर बना हुआ है कि नहीं, तो यहाँ की खूबसूरती है। बाकी प्रियंका ने इलस्ट्रेट इसलिए किया है ना ताकि आपको मज़ा आए।